हेलो एवरीवन हाउ आर यू दिस मॉर्निंग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे हम, uh, हम, well हम, so, तो हम स्टार्ट करें हैं आज से नया सीरीज दैट इज़ एम करेंगे हम सारे बायोलॉजी के एज वेल एज जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके एक टॉपिक करने के बाद हम सारे एम करेंगे ठीक है ये जो एम होंगे वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं ऑलरेडी सो लेट्स गेट स्टार्ट तो गाइस आज हम स्टार्ट करे हैं डाइजेशन एंड एक्सक्रेशन यानी कि पाचन तंत्र और जो उत्सर्जन तंत्र है उससे रिलेटेड जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे ओके समझते भी चलेंगे साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी करती चलूँगी लगभग तीस से पैंतीस क्वेश्चन हैं इससे आपके दो टॉपिक कवर हो जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस मतलब मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है तो ये होती है हमारी छोटी आंत में आप सबको ये पता है हम ये सब पढ़ चुके हैं ठीक है ठीके? तो कहाँ होती है सबसे ज्यादा पाचन आ, की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है डाइजेस्टिव प्रोसेस मैक्सिमम कहाँ होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी देखें डाइजेशन कहाँ से या पाचन कहाँ से शुरू होता है तो हमारे माउथ से ठीक है जैसे ही आप जो खाना है उसको चबाने लगते हैं च्यू करने लगते हैं और उसको निगलते हैं ठीक है और ये कंप्लीट कहाँ पर होता है पाचन तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी हाथ में ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब ट्यूब जैसी होती है जैसे आपको पता होगा इस टाइप का ट्यूबलर स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ठीक है जो कि एबडोमिन में हमारे होते हैं और मैक्सिमम ये मोर देन कितनी हो सकती है मोर देन ट्वेंटी फीट या बीस फीट से ज़्यादा लंबी ये हो सकती है और स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करती है जो भी फूड हम लेते हैं जिसको हम जब स्टमक से लीव करता है तो क्या कहते हैं काइम मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही फूड जो डाइजेस्टिव फूड है वो अगर लीव कर देता है स्टमक को तो उसको हम कहने लगते हैं काइम तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जाएगा उसको हम क्या कहेंगे काइम सी एच वाई एम ई ठीक है अब जो ये क्या करेंगे एंजाइम्स को यूज़ करेंगे जो कि पेनक्रियाज़ और बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है तो लीवर से तो हमने क्या देखा कि हमारी जो छोटी आंत है लगभग बीस फीट लंबी होती है और ये जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखती है ठीक है कब तक जब तक के आपका जो फूड है वो पूरी तरीके से पचना जाए साथ ही साथ इसमें पेनक्रिया से आने वाले एंजाइम्स भी मिल जाते हैं और लीवर से आने वाला जो बाइल बाइल जूस है या जो जिसको हम पित्त पित्त रस भी कहते हैं वो भी इसमें मिल जाता है चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अब सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सलाइवा आप सब जानते हैं माउथ में सलाइवा होता है लार जिसे हम कहते हैं और इसी लार को सीक्रेट करने के लिए अलग अलग लार ग्रंथियाँ होती हैं मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ठीक है तो सलाइवा किस चीज़ का पाचन करता है तो सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च ठीक है तो सलाइवा किस चीज का डाइजेशन करता है तो स्टार्च का डाइजेशन करता है अब इसको समझते हैं आ, क्या क्या और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो सलाइवा क्या होता है सलाइवा एक वाटरी सब्सटेंस है मतलब पानी जैसा एक तत्व होता है जो कि ह्यूमन के मतलब मानव के और आ, कुछ एनिमल्स में भी पाया जाता है ठीक है और ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती है या आ, जो लाल ग्रंथियाँ होती है उनके द्वारा इनका रिसाव होता है या सिक्रेशन होता है तो ह्यूमन सलाइवा में अगर हम देखें लगभग 99.5 परसेंट क्या होता है तो वाटर होता है ठीक है 99.5 परसेंट क्या होगा वाटर पॉइंट फाइव परसेंट में होगा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है साथ ही म्यूकस होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स में भी कौन सा होता है तो अमाइलेस होता है और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि आई जी एन लाइजोजाइम ठीक है ये जो एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं या ज़रूरी होते हैं ताकि हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है ठीक है या स्टार्चेस, स्टार्च starch जो प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर सके ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्यूलोस एंड स्टार्च बोथ आर मेड अप ऑफ ठीक है तो सेल्यूलोज आपको पता है सेल्यूलोस किस में मिलता है तो प्लांट सेल्स में मिलता है ठीक है और स्टार्च भी प्लांट सेल्स में मिलता है तो ये दोनों किससे बने होते हैं तो ये दोनों बने होते हैं ग्लूकोज से ठीक है चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन सेल्यूलोज इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरीके का ऑर्गेनिक यौगिक है ये ठीक है जो कि मोस्ट कॉमनली मिलता है बायोपॉलीमर्स, पॉलीसेकेराइड जितने भी मिल रहे हैं अर्थ में उसमें से ठीक है और इसमें हर एक मॉलिक्यूल में लगभग दस से पंद्रह हज़ार ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ठीक है और ये किस में रहता है तो इनऑस्क्योरेटे होमोपोलिक पॉलीमर पौली, सीरीज़ में ये अरेंज होते हैं मतलब एक पॉलीमर हुआ उसकी सीरीज़ में ये अरेंज होते हैं सेल्यूलोस में इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से अरेंजमेंट आपको मिलेगा किस में में तो स्टार्च अगर देखा जाए जो प्लांट्स में तो उनका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसमें दो टाइप के होमो पॉलीसेकेराइड मॉलिकल्स मिलते हैं जिसमें दस से तीस परसेंट तक के अगर एमाइलाइड देखेंगे तो वो मिलेंगे साथ ही आ, सत्तर से जो 90 परसेंट जो होगा वो एमाइलो पैक्टीन मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं ये तो ये याद करने की चीज़ें हैं ठीक है तो याद रखिएगा सेल्यूलोर्स और स्टार्च दोनों में दोनों किस चीज़ से बना होता है तो दोनों ग्लूकोज का बना होता है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद द रिफ़रेंस टू वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी मतलब एक मानव का जो वृक होता है या किडनी होती है तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि अगर आप ह्यूमन किडनी के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेटमेंट को आपको बताना है कि सही है कि नहीं है आफ्टर द वेस्ट इज़ रिमूवड इन द किडनी द क्लीनर ब्लड इज सेंड बैक टू द रीनल आर्ट्री मतलब जैसे ही वेस्ट किडनी uh, से रिमूव कर दिया जाएगा जो प्योरीफाइड ब्लड है मतलब अब जो रक्त है जो शुद्ध हो चुका है वो रीनल आर्टरी में वापस भेज दिया जाता है ये पूछ रहे पहला स्टेटमेंट ये कहता है पहला कोट ये कहता है सेकंड कहता है फ्रॉम वोमेंस कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड पास थ्रू द टाइनी ट्यूब्स वेयर मच ऑफ द ग्लूकोस रीअब्सॉर्ड एंड सेंड बैक टू द ब्लड इन द रीनल वेन मतलब ये कह रहा है कि वोमेंस कैप्सूल में जो फिल्टर्ड लिक्विड रहेगा वो छोटे छोटे ट्यूब्स जैसे वोमेंस कैप्सूल ये आपको पता है ये, ये दिस इज ग्लोमेरुलस दिस इज वोमेंस कैप्सूल ठीक है तो ये कह रहा है कि जब जैसे ही वोमेंस कैप्सूल में जो फिल्टर लिक्विड है वो पास होगा छोटे छोटे ट्यूब्स में ठीक है छोटे छोटे ट्यूब में पास होने के बाद उसमें जो भी ग्लूकोज होगा ना वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा हमने देखा था रीअब्सॉर्ब हो जाता है और वापस से रीनल वेन में उसको भेज दिया जाता है ऐसा कह रहा है ये तो देखते हैं स्टेटमेंट हमारे सही है या गलत जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था तो किडनी ये जो है उसका एक बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है ठीक है जो कि वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो भी ब्लड से ठीक है ब्लड से वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ में आता है ठीक है और बॉडी में फ्लूड का बैलेंस मतलब आपने आपके शरीर में जितना भी तरल पदार्थ है उसको बैलेंस करने के लिए और यूरिनेशन में हेल्प करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करती है और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी के लिए तो किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये नेफ्रॉन होता है मैंने आपको बताया था जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी किडनी का तो नेफ्रॉन क्या करेगा एलिमिनेट करता है वेस्ट फ्रॉम द बॉडी और ब्लड के वॉल्यूम को और ब्लड के प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करता है याद रखिएगा ब्लड के प्रेशर और ब्लड के वॉल्यूम वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम किसका है तो नेफ्रॉन का है जो कि एक एक कोशिका होती है किडनी में अब रीअब्जॉर्बन होगा वाइटल न्यूट्रेंट का जैसे कि ग्लूकोज हो गया जो प्लाज्मा लेवल्स जो कम्प्लीटली रीऑब्सॉर्व हो जाएंगे किसमें प्रॉक्सिमल कोविटेड ट्यूब ये मैंने सेकेंड स्टेप बताया था कल यूरिन फॉर्मेशन में तो प्रॉक्सिमल कलविटेड ट्यूब एस एस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था दिस दिस लाइक दिस ओके तो सबसे पहले क्या हुआ था ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस के बाद में इस ट्यूब इस ट्यूब में सारे जो मैंने बताया था कि आयंस यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्योरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी इज ऐसी प्रोसेस जिससे ह्यूमन बॉडी में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है या रक्त को शुद्ध किया जाता है मानव शरीर में उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस क्या कहते हैं तो डायलिसिस आपने ये वर्ड भी सुना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जब आ, किसी भी ह्यूमन की या किसी भी मानव की किडनी में आ, कुछ प्रॉब्लम्स होती है अगर या किडनी फेलियर होता है उस कंडीशन में उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है डायलिसिस बस ये आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल तरीके से आप ब्लड को प्योरीफाई करा रहे हैं नॉट इन द बॉडी ठीक है तो अब मैं आपको बताती हूँ डायलिसिस क्या होता है तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट को रिमूव करते हैं साथ ही एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं कहाँ से तो ब्लड से और ये प्राइमरीली एक आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट होता है अगर किडनी फंक्शन का लॉस हो जाता है किसी भी व्यक्ति में अगर किडनी फेलियर होता है तो डायलिसिस क्या करेगा तो डायलिसिस डायलिसिस अनवांटेड जो सब्सटेंस और फ्लूड है ब्लड से उसको निकाल करके बाहर कर देता है ठीक है आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे सो गाइज़ आज का लेक्चर ही ख़त्म होता है कल और कॉन्सेप्ट देखेंगे और इस सीरीज़ को दो तीन पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे ये सीरीज़ देखने के बाद आपका जो एक्सक्रीशन और डाइजेशन दोनों के एम के साथ आपका टॉपिक हंड्रेड रेडी हो जाएगा थैंक यू